तो गाइस तुम्हारे भाई ने ले लिया एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। अब देखते हैं उसको कर पाते हैं क्या नहीं। तो ये जो छत दिख रही है, इस छत से हमको स्विमिंग पूल में कूदना है, वो भी यार इस छत की कॉर्नर से। और मैं सोच रहा हूँ ये सब चीजें मैं करूँ बिगर रन अप की, कुछ इस तरीके से। लेकिन गाइस यार पहली बार में तो ये नहीं हुआ, अभी ट्राई करते हैं सेकेंड ट्रायल। देखते हैं यार सेकेंड ट्रायल में अपन जो है इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वैसे लग रहा है कि चैलेंज तो हो ही जाएगा, क्योंकि यार पहली बार में ही अपन ने इतना अच्छा किया कि अपन बस कूदने ही वाले थे स्विमिंग पूल में। अब की ओर तो ये पक्का हो जाएगा, फिर यार देखते हैं क्या होगा। तो फटाफट चलते हैं छत पे। ये लो यार मैं छत पे आ गया हूँ, अब करते हैं यार दूसरा ट्रायल। तो ये लो भाई आ गए अपन कॉर्नर की तरफ, और ये जंप। तुम्हारे भाई ने यार ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन यार अभी मैं एक और ट्रायल लेने वाला हूँ, देखते हैं ये तुक्के में हुआ था या सिर्फ ऐसे ही हो गया। मुझे तो लगता है कि ये तुक्के में नहीं यार, ये अपनी मेहनत का नतीजा है। अब देखते हैं यार थर्ड ट्रायल लेते हैं और चेक करते हैं अपनी पिछली बार तुक्के में किया था या सच्ची में हमने ये पार किया है। तो देखते हैं इस बार अपनी किस्मत चमकती है या नहीं चमकती है, पता चल ही जाएगा यार अपना तुक्का था या लक, वो सब पता चल जाएगा इस बारी में। तो यही कोना था वो, यहाँ से अपने को कूदना है। अरे नहीं यार ये तो अपन कुछ ज़्यादा ही आ गए, मतलब वो तुक्का तो नहीं था यार, लक था आपकी और अपन दिशा गलत आ गई। लेकिन यार एक मिनट रुको यार गाइस, देखो यहाँ पर एक गेट नज़र आ रहा है। पहले तो यहाँ पर कोई गेट नहीं था, ये अचानक से गेट कैसे आया, लात से तोड़ कर देखता हूँ यार। ये तो गेट ही है पक्का, आवाज़ भी गेट की आ रही है। तो यार पहले तो यहाँ पर कोई गेट नहीं था, अचानक से ये गेट कैसे आ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, अब क्या करूँ मैं इस गेट का। तो यार एक बार यार इसे तोड़ कर देखते हैं यार, पिस्तल से शायद ये खुल जाए, चेक करते हैं एक बार। अपने पास पिस्तल ही है केवल। तो यहाँ पर यार मारी अपन ने गोली, लेकिन यार इस गेट को तो कुछ हो ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। खैर यार मुझे लगता है कि गाड़ी से ट्राई करता हूँ, यहाँ पर किसी बंदे की गाड़ी लेता हूँ और फिर इस गेट को खोलने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर यार कोई गाड़ी तो दिखी नहीं रही है, अभी तक तो कोई गाड़ी दिखी नहीं है। देखते हैं गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, कोई गाड़ी तो आएगी, उस गाड़ी को यार लेंगे और फिर गेट को तोड़ेंगे। तो यार देखते हैं कब तक कोई गाड़ी आएगी, यार अभी तक तो कोई गाड़ी आई नहीं है। चलो यार थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, सामने से एक गाड़ी आई है यार, उसके मालिक को मारते हैं और उसकी गाड़ी को चुरा लेते हैं। यार अपना शॉट तो मिस हो गया, अपना निशाना कच्चा है क्या। नहीं यार तुम्हारे भाई का निशाना एक नंबर है, देखो यार ये लग गया और यार ये वाला तो गया यार, उसमें पता नहीं क्या हुआ, शायद गोली सही से चली नहीं थी यार, एकदम झटका सा लग गया था इसीलिए नहीं हुआ था। लेकिन यार ये गाड़ी तो तुम्हारे भाई की हो चुकी है अब तो। फटाफट इस बंदे को निकालते हैं और ट्राई करते हैं यार उस गेट को इस गाड़ी से खोलने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है यार, उस गेट के पीछे क्या है वो तो अभी पता चल ही जाएगा कुछ ही देर में। कुछ तो उस गेट के पीछे होने वाला है, सोना चांदी हीरे मोती कुछ तो होगा भाई, तभी तो ऐसा गेट है अपने घर के पीछे, वरना तो गेट क्यों ही होता। तो यहाँ पर चलते हैं अभी गेट के पास में और देखते हैं क्या सीन। सफा ठहरे मेरे भाई, ओहो चल गए यार, गाड़ी इजीली चढ़ रही है यहाँ पर। अभी ट्राई करते हैं गेट को ठोकने का। तो यार ये गाड़ी ठोक तो रहा हूँ मैं, लेकिन गेट टूटने का नाम नहीं ले रहा यार। और यार ये तो यार ज़्यादा ही है, जल्दी चल गई गाड़ी जो अभी यार ये स्विमिंग पूल में गिर चुकी है। निकालता हूँ फटाफट यार, इस गाड़ी में बूस्टर है तो ईजिली निकल गई। एक ट्राई और करता हूँ यार उसको फोड़ने का, फिर यार देखते हैं क्या करना होगा। तो यार ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यार इस गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं अपन साइड में। अपन तो यार अपने चैलेंज पर ध्यान देते हैं, गेट को कभी और दिन खोलेंगे। तो यार देखते हैं अभी ऊपर चलते हैं और अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए ध्यान देते हैं। पहली बार तो अपना हो गया, मतलब पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो गया और तीसरी बार में फिर से नहीं हुआ, लेकिन इस बार शायद ये वापस से हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार देख लूँ मैं कहाँ पर गिरा था, मैं यहीं पर ही गिरा था। और गाइज यहाँ पर कुछ पेपर सा पड़ा है, तो इस पेपर में क्या लिखा है ये पढ़ लेता हूँ मैं। तो गाइज इस पेपर में लिखा है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें मिलिट्री बेस से एक लैम्बोर्गिनी टायर जो चुरानी होगी। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टास्क है इस गेट को खोलने के लिए, यार ये तो लगभग यार इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया ये चैलेंज कर सकता है अपनी जान पर खेल कर। लेकिन फिर यार इस गेट के पीछे अपने को क्या मिलेगा वो जानने के लिए यार मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। तो फटाफट यार देखने चलते हैं अभी लैम्बोर्गिनी टायर्सों को वहाँ से चुराएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे।
लेकिन अगर कुछ ना भी मिला तो लैम्बोर्गिनी टैरिजो तो अपने पास रहेगी यार। तो यार ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो यार वहां पर चलने के बाद ही अपने को पता चलने वाला है यार, ये बंदे लोग कैसी गाड़ी चलाते हैं आजकल लॉस सैंटोस में। नशे पी के यार अपने में ठोकर मार रहा था वो। चलो यार चलते हैं यहाँ से फटाफट यार मिलिट्री बेस के। और यार मैंने सुना है मिलिट्री कर्नल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो यार अपनी लग जाएगी अगर किसी ने जो है अपने को देख लिया तो। लेकिन यार अपन क्या है, अपन खुले में जाने वाले हैं क्योंकि टास्क में ऐसे ही लिखा था बिगर मास्क के चुरानी है गाड़ी। तो लो यार अपन पहुंच ही गए हैं मिलिट्री बेस के अंदर। देखते हैं कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होने वाली है। यहाँ पर तो वैसे हमेशा सिक्योरिटी टाइट ही रहती है, हमेशा सिक्योरिटी रहती है क्योंकि यार ये मिलिट्री बेस है। और यार ये अपन ने तोड़ दिया है इसका बैरियर, और गाइस यार अपने ऊपर लग चुकी है बैरियर तोड़ते ही 4 स्टार की मिलिट्री बेस। तो अब कैसे मैं यार गाड़ी चुराता हूँ, देखते हैं यार क्या सीन सपाटा है। मुझको तो नहीं लग रहा कि मैं चुरा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि यार अपने को वो गेट खोलना है। तो ये देखो भाई सामने की तरफ दिखाई दे रही है एक लैम्बोर्गिनी, तो इसी लैम्बोर्गिनी को चुरा लेते हैं अभी। वैसे इजी भी है क्योंकि यार 4 स्टार की है, 5 स्टार की नहीं है, तो इनको मारते हैं फटाफट। देखते हैं, और यार कोई रॉकेट चला रहा है, और यार ये वाली लैम्बोर्गिनी तो टूट गई है, अभी कहीं और लैम्बोर्गिनी अपने को ढूंढनी पड़ेगी। यार पहले इन सबको निपटा लेता हूँ, यार ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं अपने को। अभी अपने को एक एम मिल चुकी है, तो यार ये टैंक वाला तो अपने को मार ही देगा, लेकिन अपन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और गाइस ये खुद के टॉप से खुद ही उड़ गया है यार, क्या ही सीन सपाटा हो गया है यहाँ पर। इसको मारता हूँ यार, ये टोपी पहन के अपने को क्या टोपी बात समझता है। ये लो यार एक और लैम्बोर्गिनी अपने को दिख गई है, इस वाली लैम्बोर्गिनी को तो चुरा ही लूंगा मैं, बस इसमें से बूस्टर ऑन करते ही निकल लेना है मुझको। और ये कर दिया अपने बूस्टर, अब इनकी बस की बात नहीं है फ्रैंकलिन को पकड़ना। अब मैं इस गाड़ी को यहाँ से जो है इजीली चुरा ले जाऊंगा, और ये देखते रह जाएंगे। तो ये देखो भाई साहब, ये देखो इनके सामने बूस्टर से ले जा रहा हूँ। बूस्टर तुमको पता है यार क्या ही कमाल चीज़ है यार, इससे गाड़ी चुराना बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो ये लो भाई तुम्हारे भाई ने चुरा ली है अभी लैम्बोर्गिनी टैरिजो। अगर उस घर की मतलब उस गेट के आगे कुछ मिला भी नहीं ना, तो भी अपने फायदे में ही रहने वाले हैं क्योंकि इतनी फेमस गाड़ी अपने पास जो अब मिल गई है अब। तो यार फटाफट घर चलते हैं। और ये लो यार मैं घर भी पहुंचने ही वाला हूँ, और पहुंचने क्या वाला हूँ यार, ये लो मैं पहुंच भी गया तो अपने पास आ गई ये कीमती गाड़ी जिसकी प्राइसिंग है यार 6 करोड़ रुपीज। तो अभी जो है उस गेट को खोल कर देखते हैं गेट के पीछे क्या होने वाला है। वो तो यार मुझे भी नहीं पता कि गेट के पीछे आखिर है क्या, तो देखना पड़ेगा यार क्या है उस गेट के पीछे, क्योंकि यार देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा यार क्या है उस गेट के पीछे। तो ये रहा वो गेट, और फटाफट गेट के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं गेट के अंदर आखिरकार है तो है क्या। तो ये चला गया मैं गेट के अंदर, और गाइस यहाँ पर तो एक बंकर है, और इसमें यार सोने ही सोने रखे हैं, 4 पेटी सोना है यार, ये करोड़ों का सोना अब हमारा हो चुका है। ये तो यार बल्ले बल्ले, अपन ने इतना सोना यार जिंदगी में कभी नहीं देखा, और इसे देखकर यार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। मतलब यार अपनी मेहनत रंग लाई, अपने को गाड़ी भी मिली और इतना सारा सोना भी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, इसको यहीं रखा रहने देते हैं। और गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।